Caribe. वैसे तो इस दुनिया में कोई रियल नहीं रहा है, लेकिन आज हम रियल में करेंगे Realme 10 Pro Plus 5G के एक रियल कैमरे का कैमरा टेस्ट। हम फोटोग्राफर हैं तो हम इसके स्पेसिफिकली कैमरे की ही बात करेंगे। तो मैं इसके कैमरे को कई दिनों से यूज कर रहा था, तो मैं काफी कम टाइम लेते हुए आपका बताऊंगा कि इसका कैमरा वर्थ इट है या नहीं है। देखिए, मैं जब भी किसी भी फोन का कैमरा टेस्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले उसका प्राइस रखता हूं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 25,000 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा। तो मैं उसके हिसाब से ही बताऊंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन या इसका कैमरा मुझे कैसा लगा। अगर हम Realme 10 Pro Plus 5G के कैमरे की बात करें तो इसके पीछे आपको दिख जाएंगे दो बड़े बड़े होल, लेकिन होल दो हैं लेकिन कैमरे तीन है। सबसे पहला जो इसका मेन कैमरा बताया जा रहा है वो है 108 मेगापिक्सल का प्रो लाइट कैमरा, यानी कि 108 मेगापिक्सल की इमेज आएगी। बाकी उसके नीचे वाले होल में आपको दिखेंगे दो कैमरे, एक कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो ये वाइड बता रहे हैं, एंड सेकंड कैमरा ये बता रहे हैं मैक्रो। मैं पर्सनली अगर इसके कैमरे की बात करूं जो इसका 8 मेगापिक्सल का है, तो मैं इसकी इमेज क्वालिटी की अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करूं तो वो भी मुझे ठीक ठीक लगा। सबसे बढ़िया मुझे इसके लगे कलर्स, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। आज के टाइम में मैं बात करूं तो सबको वाइब्रेंट कलर पसंद है, शायद इसी वजह से मैंने और भी फ़ोन यूज़ करे हैं, शाओमी के, पोको के, या फिर किसी वीवो वगैरह के, सब में सैचुरेशन आता है तो नॉर्मल है वो भाई, बिकॉज ऑफ विंटर्स इतना सन निकलता नहीं है। मैंने इमेजेस ली, इतना सूरज नहीं था, इतनी लाइट नहीं थी, उसके बाद भी मुझे इमेजेस में काफ़ी क्लैरिटी देखने को मिली। मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया इसका जो 8 मेगापिक्सल का जो नॉर्मल वाला कैमरा है। सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे इसके अंदर स्ट्रीट मोड देख के, क्योंकि यार स्ट्रीट फोटोग्राफर हो तो स्ट्रीट मोड देख के तो खुशी होगी होगी। उसके अंदर हमें मिल जाता है 24mm, 16mm पे आप वाइड भी ले सकते हैं, और एक 50mm। ये बेसिकली तीन फोकल लेंथ आपको दी गई हैं जिसमें आप शूट कर सकते हैं, और इमेजेस उसी तरीके की आएंगी, बट एक फोकल लेंथ सेट कर दी गई है, एक मोड दे दिया गया है जिससे आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला फील आएगा, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई। इस फोन के कैमरे से मैंने परेड रिहर्सल में भी शूट किया और इमेजेस ली, जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। अगर हम बात करें इसकी वीडियो की, तो वीडियो एक बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे रील्स और यूट्यूब के जमाने में। तो इसके अंदर आपको 4K मिल जाएगा, 4K के अंदर आपको 30fps मिलेगा, 60fps नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके 1080 की बात करूं, उसके नीचे आपको 30 भी मिल जाएगा और 60 दोनों FPS मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप स्लो मोशन भी कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करूं, फ्रंट कैमरे के अंदर आपको 1080 मिलेगा, 4K नहीं मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात करिए तो मैं इसी के साथ अटैच करूंगा कि इसके अंदर है डुअल वीडियो मोड, जिसके अंदर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये रियलमी में डुअल वीडियो मोड भी है, अभी देखो सामने चल रहा है और यहाँ पे हम सब हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक चल रहा है फुटबॉल। ऑडियो भी जो आ रहा है वो रियलमी से ही आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, और करीब बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा किस तरीके का लाइट ये रीड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है इसका वीडियो मोड, और आप इस तरीके से 2x पे भी जा सकते हैं उधर। यार ये बहुत सही है, ठीक है, आप क्लोज करके भी दिखा सकते हैं, ये देखो उधर स्वप्निल है, और ये हमने जूम करके भी दिखा दिया वाइड, और ये रहा जूम। अगर इसकी वीडियो की बात हो रही है तो मैंने इसको बाहर ट्राई किया इसका वीडियो, तो वो आप देखिए कि किस तरीके का ऑडियो और वीडियो आ रहा है। तो अभी मैं यमुना घाट पे आया हुआ था और आज बहुत सारी बर्ड्स हैं, और वो रहा रतन जो मुझे शूट कर रहा है, वो रहा दिवेश, नविता जियान, ये देखो क्या चल रहा है, ये देखो ये देखो। तो अभी जो ऑडियो आ रही है Realme 10 से आ रही है, प्रो प्लस से, अलग से ही चमक रहे हैं भाई, ये दोनों अलग से ही चमक रहे हैं, ठीक है। और आज भाई क्या ही बर्ड आई है भाई, खतरनाक एकदम, हाथों से लेके गई हैं, वैसे पास भी नहीं आती है। अगर मैं पर्सनली बताऊं, इसकी इमेजेस में मुझे उतनी क्लैरिटी लगी जितनी क्लैरिटी हमारी क्रश की नाम में होती है। आजकल पोर्ट्रेट का जमाना है, सबको वो बैकग्राउंड ब्लर वाला चाहिए, तो उसके अंदर मैं इसकी बात करूं, उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर आप जाके जब आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में पिक्चर खींचेंगे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब होता है बैकग्राउंड ब्लर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगा, बोके जो क्रिएट हो रहे थे वो भी काफ़ी सही लगे, और काफ़ी शार्प पोर्ट्रेट मुझे देखने को मिले, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अगर मैं इसके बात करूँ 108 मेगापिक्सल जो इसका मोड है उसके अंदर, तो जब मैं उसे खींच रहा था तो इमेज तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में आ रही थी, मगर शटर लैक हो रहा था। शटर लैक का मतलब क्या है, मैं जब बटन प्रेस कर रहा था तो वो थोड़ी देर बाद
रेस्पॉन्स कर रहा था जिसकी वजह से मूवमेंट मिस हो रही थी। देखो वो हर किसी में होता है, जब इमेज प्रोसेस करता है इतनी बड़ी इमेज प्रोसेस करता है वो भी एक फ़ोन, तो वो थोड़ा शटर लैग होता है, वो तो इवन दो कैमरों में भी हो जाता है, तो ये तो फिर भी एक फ़ोन है। इसके अंदर प्रो मोड मिल जाता है और फिल्म मोड भी मिल जाता है। बेसिकली प्रो मोड वो है जिसके अंदर आप अपर्चर शटर ISO यानी कि एक मैनुअली सेट करके अपने हिसाब से शूट कर सकते हैं किसी भी फोटो या वीडियो को। फिल्म मोड भी बेसिकली उसी तरीके से वर्क किया गया है। मुझे लगा था फिल्म में कोई फिल्म सिमुलेशन दे रखी होंगी विविड या फिर अलग अलग तरीके की या जो भी होती है सिनेमैटिक वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म के अंदर इन्होंने एक सिर्फ वही नॉर्मल प्रो मोड यानी कि मैनुअल मोड दे दिया है, मुझे नहीं पता क्यों दिया है, बट हाँ सिर्फ यही है। मैंने पर्सनली इसको नाइट में यूज़ किया, बहुत कम लाइट के अंदर मैंने फोटोग्राफ खींची और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि एक 25,000 का फ़ोन इस तरीके का रेस्पॉन्स दे रहा है वो भी नाइट के अंदर इतने छोटे सेंसर होने के बाद, तो मैं बोलूँगा वहाँ पे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल लगा। एक 25,000 में मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई दे सकता है, बट थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन ये बेटर कर सकते थे जब आप व्लॉग कर रहे हो, क्योंकि वो होनी चाहिए, ठीक है। इमेजेस वगैरह क्लैरिटी वगैरह सब मुझे बढ़िया लगी, तो मैं ये बोलूंगा 25,000 के अंदर ये मुझे ठीक ठाक फोन लगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, या फिर इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी।